जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में द बोन एंड जॉइंट और आरोग्य मेडिकल्स एंड सर्जिकल्स का हुआ उद्घाटन। मधुबनी जिला के जयनगर के कुंवर सिंह चौक के नजदीक में द बोन एंड जॉइंट और आरोग्य मेडिकल्स एंड सर्जिकल्स का उद्घाटन संत जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल जासमिन जॉनसन, जयनगर के प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, मोहम्मद इम्तियाज, डॉक्टर अबू अकरमा, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, मोहम्मद नियाजी, डॉक्टर विजय रंजन ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि अब हमारे यहां दरभंगा, पटना जैसी बड़े जगहों के अस्पतालों जैसी सुविधा कम दर पर जयनगर में अब मिलेंगी। पहले किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को दरभंगा या पटना रेफेर किया जाता रहा है, पर अब जयनगर में इसकी शुरुआत की गई है। यहां सभी प्रकार के सर्जिकल आइटम एवं दवा भी उपलब्ध है। इस मौके पर प्रवीण महासेठ, राजकुमार सिंह, मोहम्मद राहिल, बेन स्टेपन, उदय रंजन, आर एन यादव सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल के तरफ से, फैमिली के तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं और विजय रंजन एंड उनके पापा के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड धन्यवाद। इसी एरिया में इस तरह का एक हॉस्पिटल लाएँ कोशिश करके हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होगा। थैंक यू। पर भी क्लिप्स का एक युवराज जिसमें हम लोग ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे इनोग्रेशन कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जयनगर में काफ़ी मतलब ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है मधुबनी से। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी कमी है, कोई भी ऑर्थोपेडिक्स यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऑर्थोपेडिक्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एक इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक्स में एक इमरजेंसीज होती है कि आदमी चाहते हैं जल्द से जल्द उसका मैनेजमेंट हो जाए, एक कम से कम प्रॉपर केयर मिल जाए किसी के छोटे मोटे चीज़ें, मतलब उस चीज़ों को देने के लिए हम लोग अच्छी फैसिलिटी देने के लिए कि लोगों को आराम रहे, भविष्य में कोई परेशानी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें आज अगर हम लोग देखते हैं किसी के अगर बात होता है उस चीज़ को अगर हम लोग सिंपल वे में अगर उसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि हर एक अब बच्चों को देखते होंगे किसी को आगे जाकर के हाथ का टेढ़ा बनाना, किसी का पैर टेढ़ा, वो चीज़ें आज अगर उस चीज़ों को शुरुआती तौर पर ठीक कर लिया जाए तो भविष्य में कभी वैसे नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पर मकसद ये रहा है कि हम लोग एक सर्विस दें, इमरजेंसी सर्विसेज दें, उसको प्रॉपर केयर हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आएंगी कि जो पेशेंट को प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग उस चीज़ों को लेकर के मेजर सर्जरीज की जरूरत पड़े, घुटने की रिप्लेसमेंट करना पड़े, लोगों की चीज़ अवेयरनेस भी नहीं है। इन चीज़ों को हम लोग चाहते हैं एक अच्छे सर्विस दें लोगों को। और इस चीज़ से मिलकर हम लोगों ने फ्यूचर में प्लान किया है। मैं डॉक्टर विजय हॉस्पिटल का भी एक हॉस्पिटल का विश्वास, इस चीज़ के लिए आप लोगों सबका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। न्यासी डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी, वो एक्चुअली इन लोगों ने प्रपोजल रखा चेयरमैन सर के सामने कि एक जो भी डिपार्टमेंट है ऑर्थो डिपार्टमेंट इसको जयनगर में हम स्टार्ट करें। तो आपस में जब डिस्कशन हुआ तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जयनगर जैसे जो कि जो ज़िला है हमारा मधुबनी उससे एकदम लास्ट बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और मधुबनी का भी ये लास्ट है इस सेक्शन। तो इन लोगों ने सोचा कि एक अच्छा यहाँ एक हॉस्पिटल खोला जाए। तो पहले चेयरमैन साहब ने बोला कि एक जो है एक ऑर्थो डिपार्टमेंट का पहले वहाँ से हमें स्टार्ट कर दें और उसकी कितनी अच्छी सर्विस हम दें ये हमारे लिए प्रायोरिटी होगी, इम्पोर्टेंस होगा। तो आप जान रहे हैं कि आजकल जो खान पान है लोगों का जिसकी वजह से घुटने का दर्द, हड्डी में स्पेशली लोगों को कभी सोते हैं तो स्पाइन में पेन होता है, बहुत सारी परेशानी होती है। तो उसके लिए आप लोग बहुत तरह की मेडिसिन लेते हैं, कोई जड़ी बूटी लेते हैं, कोई होम्योपैथ दवा लेते हैं। तो जो ऑर्थो डिपार्टमेंट के पास जनरली लोग नहीं पहुंच पाते हैं कि हड्डी से रिलेटेड भी पेन होता है। तो समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक अच्छी जगह पे एक अच्छा सा ऑर्थो डिपार्टमेंट का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जितने बड़े लोग हैं उनके फादर हैं डॉक्टर विजय रंजन या डॉक्टर अबू अकरमा, दोनों लोगों की टीम है यहाँ पे, और भी ज़रूरत पड़ेगा तो क्रिप्स के टीम की तरफ से और भी डॉक्टर्स आएंगे। इसको पहले आप लोग सर्विस लीजिए यहाँ से, होपफुली बहुत बेटर होगा। जैसे जितने लोग आए हुए हैं उनको जानकारी मिल रही है, आपको पता है कि घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो नी रिप्लेसमेंट होता है जो कि नॉर्थ बिहार में जनरली कोई नहीं करता है। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे जयनगर के पेशेंट ने भी नी रिप्लेस किया, हिप रिप्लेसमेंट है, सारा ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं आप या कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट, वो सारी चीज़ हम करते हैं।
और होपफुली आप लोग मीडिया वाले इन चीज़ों को पहुंचाइए इंटरनल लोगों के पास जिनको इनकी जानकारी नहीं है, सो दैट दे कैन कम हियर एंड अवेल द सर्विसेज। हम तो यही चाहेंगे। और बाकी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द डॉक्टर्स टीम, और इन यहाँ का डेवलपमेंट होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, समाज जागरूक होंगे, और आगे भी अगर क्रिप्स की कोई भी सर्विस जयनगर में होगी तो हम ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट सर्विस यहाँ, और चाहे हार्ट के डिपार्टमेंट, कार्डियक डिपार्टमेंट हो, हमारे पास सारा डिपार्टमेंट वहाँ है, जो कार्डियक डिपार्टमेंट है या पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, सारा चीज़ को धीरे धीरे हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जयनगर एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक में यहाँ पे पेशेंट को, अभी नेपाल बॉर्डर खुला नहीं है, लेकिन वहाँ से बहुत पेशेंट इंडिया की तरफ मूव करते हैं, तो वाई दे विल मूव टू पटना और दरभंगा, वाई दे नॉट टू जयनगर एंड मधुबनी, हमारा ये क्वेश्चन है। तो हम चाहेंगे कि उसको हम यहीं रोकें और यहीं इनका फुल समाधान करके उनको हम सेफली नेपाल भेजें या जहाँ भी भेजें। थैंक यू सो मच। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। यह हमारे लिए और जयनगर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उनके पास ये एक सुविधा आई, और जो डॉक्टर के लिए आप दिल्ली या मुंबई या बड़े शहरों में जाते थे, वो डॉक्टर यहाँ हैं। अब डॉक्टर विजय रंजन की बात करें, जिन्होंने एम्स दिल्ली में भी काम किया है, इनके पास हायर डिग्री है ऑर्थो की। डॉक्टर अबू अक्रमा अलीगढ़ से हैं, इनके पास भी हायर डिग्री है ऑर्थो की। तो आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश में ही जाते हैं, तो इसको अवेल करें, समाज को सशक्तिकरण दीजिए। रही बात बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेडिसिन के अगर डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, या ऑर्थो के साथ कार्डियक की ज़रूरत है, या कोई ट्रॉमा पेशेंट आता है उसको मल्टीपॉली ट्रॉमा के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जो मेडिसिन रिलेटेड है, तो क्रिप्स की पूरी टीम उनके लिए हाटन तैयार है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो आए यहाँ देखें, और जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि ये होगी इसके लिए हम लोग तैयार हैं, बस हमको सुविधा देने को तैयार हैं, आप आएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है, क्रिप्स के चेयरमैन महोदय डॉक्टर अक्रम साहब, डॉक्टर सभी साहब, और हमारा डॉक्टर सारे लोगों ने मिलकर जो है जयनगर में जो हॉस्पिटल का जो संचालन शुरू किया है, काबिल तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ खुलने के बाद सैकड़ों नहीं हजारों मरीजों को इलाज कराने में मदद होगी, और यह हॉस्पिटल ये आने वाले समय में जिस तरह के मुख्य सेंटर बन रहे हैं उसी तरह बने, यही मेरी शुभकामना है। 7 महीने पहले मैंने मधुबनी क्रिप्स ज्वाइन किया था, और इस 7 महीनों में जो मैंने समझा, जितने भी गरीब और जो नेपाल के मरीज होते हैं उन्हें बहुत असुविधा होती है, यहाँ तक कि मधुबनी आने में भी असुविधा होती है, पटना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब लोगों के साथ मिलके मैंने एक विचार अपना सामने रखा कि क्यों ना हम जयनगर में, मैं और डॉक्टर अबू जो कि यहाँ के सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं, क्यों ना हम लोग अपना कुछ समय जयनगर में दें। तो इन्होंने हमारी बातों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ठीक है, आप लोग और क्रिप्स हम दोनों मिलके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और आज बहुत महीनों की कोशिश के बाद फाइनली हमने वो चीज़ एस्टेब्लिश कर लिया है, और बहुत जल्द क्रिप्स के साथ जुड़ के हम आगे सारी जो सुविधा जयनगर को मिलनी चाहिए वो प्रदान करेंगे। बाकी हॉस्पिटल जो उद्घाटन आज है उसके बारे में कुछ विशेष बताएं जी। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में आपने देखा होगा, क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी उसी की एक यहाँ ब्रांच जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक यहाँ स्टार्ट किया गया है, जिसमें 2 कंसल्टेंट यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर अबू अक्रमा और डॉक्टर विजय रंजन, दोनों कंसल्टेंट यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम लोगों की कोशिश है कि जयनगर में कुछ अच्छा करें। इन लोगों ने मुझसे बात की थी कि जयनगर में हेल्थ सर्विस में हम लोग आना चाहते हैं, तो हम लोगों से सजेशन लिया और सजेशन के बाद आज उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसमें डॉक्टर विजय रंजन को मैं शुभकामना दूंगा, उनके पिताजी को शुभकामना दूंगा, इन तमाम लोगों को कि जो सोच है उस सोच को हमारे साथ मिल करके आगे ले जाना, ये हमारा अहम मिशन है। यहाँ खास करके जयनगर
आपको पता है इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, यहाँ पर दूसरे देश के लोग भी आते हैं, तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि अच्छा इलाज हो सके। तो अच्छे इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो आपके सामने क्रिप्स हॉस्पिटल जो मधुबनी ज़िला का एक बड़ा अस्पताल है, मधुबनी ज़िला क्या मिथिलांचल का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, तो यहाँ पे क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम जो दो कंसल्टेंट तो आपके सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर उपक्रमा सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर विजय नंदन, ये दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, दोनों ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट हैं मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल। और जयनगर वासियों के लिए भी ये खुशी की बात है कि एक अच्छे डॉक्टर आपके पास आए हैं। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बीमार पड़े यहाँ, हॉस्पिटल के लिए बीमार लोग ही आएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ आए वो मरीज ठीक होकर के जाए, इसके लिए हमारी दुआएं होंगी, हमारे लोगों से प्रार्थना होगी, इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करें। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी ने एक अच्छा काम किया है हेल्थ के सेक्टर में, उसी की एक ये ब्रांच है, मैं उम्मीद करता हूँ कि और बेहतर करेंगे हम जयनगर की जनता के लिए।